हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग एंड फर्स्ट ब्लॉग। तो मैं आज आया हूँ वेदवन पार्क, जो कि नोएडा के सेक्टर 78 में है, जहाँ पर वेदों के बारे में बताया नहीं दिखाया जाता है। तो चल के देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। तो सो गाइज, ये है वेदवन पार्क, ये इसका मेन गेट है, यहाँ से एंट्री कर सकते हैं हम। जो आप सामने देख रहे हैं, ये आपकी पार्किंग एरिया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आप फोर व्हीलर लगा सकते हैं और यहाँ पे टू व्हीलर, और ये रही मेरी बाइक। तो देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं देखने लायक। तो मैं यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे कुछ बढ़िया चीज दिख रही है। मतलब कि आप ये स्ट्रेट से देख लो या फिर साइड से, बहुत अच्छी चीज बना रखी है। यहाँ पर देखो योगा के लिए काफी सारी पोजीशन वगैरह हैं। आप देख सकते हो, तो ये देख सकते हैं ये मेरे पीछे कितनी बढ़िया चीज़ बना रखी है। ये कुछ जाली के आकार में कुछ डिज़ाइन था, बहुत बढ़िया बना रखा है, देखते दिल खुश हो गया। सो गाइस देखो कितने ब्यूटीफुल मूर्ति बना रखी है, ये माँ के हाथ में एक बच्चा है, बहुत बढ़िया दृश्य दिखा रखा है। ये आप देख सकते हो हाथ पे हाथ रखा हुआ है, कितनी बढ़िया। कितनी बढ़िया चीज़ें देखने लायक, कभी भी आप आ सकते हो यहाँ पे नोएडा सेक्टर 78 में वेदवन पार्क। ये देखिए ये कुछ जाली का बना रखा है, स्टंट्स करते हुए कुछ दो लोग बहुत बढ़िया। सो गाइस ये आप देख सकते हैं शंख के बारे में इसमें लिखा हुआ है, ये आप कभी भी आए यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ तो आप पढ़ लेना। ध्रुव दास्यु की मूर्ति है ये, कितनी प्यारी है, बहुत बढ़िया सुंदर से बना रखी है। यहाँ पर कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब काफ़ी स्पेस होता है यहाँ पे, तो आप कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, रील वगैरह बना सकते हैं, इस पर कोई इशू नहीं है, यहाँ कोई बना नहीं करता। तो ये वेदवन पार्क का मैप है पूरा। तो ये देखिए कितना प्यारी चीज़ बना रखी है, इसमें पूरे बॉल का आकार बना रखा है, इसमें हर तरह के नाम हैं। अभी नाम तो खैर काफ़ी सारे हैं, तो मैं आपको पढ़ के नहीं बता सकता, जब भी आप यहीं पर आएँ तो आप देख सकते हैं। पीछे आप देख सकते हैं ये ऋषि मुनि जी अपने शिष्य को पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कुछ ज्ञान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत बढ़िया चीज़ बना रखी है कुछ मार्बल से। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप वेदों के बारे में
एक लकड़ के बुक बना रखी है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपको बैक साइड में दिखाता हूँ, यहाँ भी कुछ ऐसे बना रखा है, अथर्ववेद। यहाँ पे है सामवेद, अजुर्वेद, श्रुतवेद और यहाँ पे वेदा। तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर रात के 8 बजे लेजर शो होता है, जहाँ पे वेदों के बारे में दिखाया जाता है। मतलब लेज़र शो होता है, लेज़र लाइट के थ्रू वैसा दिखाया जाता है। यहाँ पे पब्लिक काफ़ी सारी होती है रात के टाइम में। खैर, तो अभी तो मैं दोपहर के टाइम आया हूँ, अभी टाइम 2 बज रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वेदवन पार्क? तो आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। पूरे 7 डेज ये खुलता है, ओपन होता है, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पार्किंग है और एंट्री भी आपकी फ्री है। और सुबह 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक ये पार्क खुला रहता है। और रात के 8 बजे यहाँ पे लेजर शो होता है, वो आप देखना कभी ना भूलें। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि वेदवन पार्क कैसा लगा आपको, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।